हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैक सोनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, ताकि जो आपके जैसे जो स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनकी भी क्वेरीज क्लियर हो सके। और कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। आज का जो चैप्टर है इसको हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार एग्जांपल्स में कि कौन सी एपिथीलियम कहाँ पर होगी। तो नोट्स से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ पहले आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, लिखने पर फोकस मत करना। मैं यहाँ पर स्टॉप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगी, तो तब आप लोग मेरा पूरा बोलने के बाद में स्टॉप करना वीडियो को, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके फिर लिखना जो बोल रही हूँ पहले उस पर ध्यान देना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियम का मेन काम क्या होता है, कवरिंग का होता है। ये सारी चीज पहले मैं लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखना, फिर ये वाला लेक्चर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे दो तरह की होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा सिंगल लेयर का होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक सेल हमारी सेल की लेयर है, सिंगल लेयर है। और लेयर्स जो सेल्स की, वो कौन सी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जो कि पहले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैरियर्स कम है तो इसका मतलब इसका काम क्या होगा, मेनली अब्सॉर्प्शन करना, फिल्ट्रेशन करना और एक्सचेंज करना। वहीं पर जब कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, तो कंपाउंड वाली जो हमारी एपिथीलियम होती है उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, तो मेन काम क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्शन का हो जाएगा। देन टाइप की बात करते हैं, तो सिंपल वाली जो है उसमें हम फाइव टाइप की सेल्स पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे। उसमें भी होती है हमारी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। वहीं जब कंपाउंड की बात करते हैं उसमें दो टाइप होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। देन हमारा जो सिंपल टिश्यू है उसका हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसकी सेल्स की स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके सेल का स्ट्रक्चर हमारा होता है पॉलीगोनल। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली आते हैं कि कौन से एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसका न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है और इनका फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पर कौन सी सेल लोकेटेड है, ये इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो हमारा जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, अब सिंपल है मतलब सिंगल लेयर सेल की होगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, पॉलीगोनल होगा। इसकी सेल बाउंड्री हम देख सकते हैं हमारे डायग्राम में, इररेगुलर सेल बाउंड्री होती है। और इसी को हम लोग जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है उसी को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, मतलब कि टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे कि कई बार हम लोग पार्क में जाते हैं तो वहां पर जो फुटपाथ होता है तो उसमें टाइल्स किस तरह से लगी हुई थी, एक ग्रे कलर की लग रही है, एक रेड कलर की लग रही है, येलो कलर की लग रही है, अलग अलग कलर्स की लगी होती है, उसी तरह की ये हमको स्क्वामस एपिथेलियम दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक्सचेंज करने का। ये वर्ड याद रखना, एक्सचेंज करने का काम किसका होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का काम होता है, एनसीईआरटी का वर्ड है। देन लोकेशन क्या क्या होगी, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो हमारी एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगी। अब एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। देन ये हमारी प्रेजेंट होगी ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा। देन बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल हम कहाँ पर पढ़ते हैं, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बोमन कैप्सूल के बारे में, एक्सक्रीशन में। तो वहां पर इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने का काम होता है, ठीक है। देन हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। देन इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इनके जो स्पेशल नाम है उससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम को हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोल रहे हैं, वहीं क्यूबॉइडल को हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों जर्मिनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये गोनेट्स को लाइन करने का काम करता है। गोनेट्स को मतलब गोनेट्स से हम लोग जो गोनेट्स से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और स्पर्म और ओवम मिलके एक न्यू लाइफ को बनाते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि गोनेट्स को लाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम हो जाएगा। देन हमारा जो क्यूबॉइडल है, फिर से ये दो टाइप का होता है,
अगर क्यूबॉइडल सेल जो है हमारी एपिथीलियम की सेल उस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। वहीं अगर इस पर माइक्रोविलाई बन जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। अब सीलेटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है, तो सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया हमेशा एक एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑलवेज बीटिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा स्मॉल ब्रंक्योल्स। वहीं जब हम लोग माइक्रोविलाई वाली मतलब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डल एपिथीलियम की बात करते हैं जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, किसके लिए, अब्सॉर्प्शन के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीसीटी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉलुमनर एपिथीलियम, कॉलुमनर एपिथीलियम का भी मेन काम अब्सॉर्प्शन का ही होता है, सिक्रीशन का ही होता है। वहीं हमारे क्यूबॉर्डल में भी हम पढ़े कि अब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है, तो जो हमारी कॉलुमनर एपिथीलियम है वो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाती है। तो जब क्वेश्चन आए जहां पर आपको पूछा जाए क्यूबॉर्डल, कॉलुमनर और आपको कंपाउंड एपिथीलियम के ऑप्शन दिए गए, तो ज्यादा सही ऑप्शन क्या होगा अब्सॉर्प्शन के लिए, कॉलुमनर एपिथीलियम। अब हम देखते हैं कॉलुमनर एपिथीलियम को। तो हमारा जो कॉलुमनर एपिथीलियम है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एनसीईआरटी ने बोला टॉल एंड सिलेंड्रिकल। देन इसका जो न्यूक्लियस है वो कहां पर प्रेजेंट रहता है, मेनली बेसल मेम्ब्रेन हमारी जो है तो बेस में प्रेजेंट रहता है, बेसली लोकेटेड न्यूक्लियस। फंक्शन वही इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होगा। इसमें भी वही दो टाइप होंगे, सीलिया अगर प्रेजेंट है तो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम, और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते तो बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम के एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूबर, एपेंडाइमल सेल्स जो कि ब्रेन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट सेल्स होती। वहीं जब ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अब्सॉर्प्शन का नाम कॉलुमनर में लिया कि बॉर्डर में लिया, कैसे हमको पता लगेगा कि कहाँ पर ब्रश बॉर्डर है कहाँ पर सीलेटेड। तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि आप ये सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो उसका प्रोडक्ट है जो रिलीज हो रहा है उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करने की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो जहां पर एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली बात आती है वहां तो हमको बोलना है सीलेटेड। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ वो फेलोपियन ट्यूब में गया, फेलोपियन ट्यूब से वो कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो ओवा वापस से पलट के ओवरी में आ जाता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करवाने का काम किसका होता है, सीलिया का होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा पूछा जाए कि यूनिडायरेक्शनल ही क्यों मूव करता है ओवा, वो वापस ओवरी में क्यों नहीं जाता, तो उसका आंसर होता है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हमारी सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवा है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यूट्रस की तरफ जाता है, ना कि वापस ओवरी में आता है, ठीक है। वहीं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो माइक्रोविलाई का मेन काम क्या होता है, अब्सॉर्प्शन करने का होता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम होता है। तो सरफेस एरिया को बढ़ाना कहाँ बेनिफिशियल हो सकता है, जहां पर अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथीलियम हो जाएगी, ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम। और पीसीटी की बात है, पीसीटी में कौन सी होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डल एपिथीलियम। तो पीसीटी में भी हमारा काम क्या होता है, पीसीटी में बहुत सारे आयन्स को हम अब्सॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पीसीटी में तो थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में वहां पर एब्जॉर्प्शन कम होता है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्यूबॉर्डल हो जाएगा। और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ज्यादा अब्सॉर्प्शन होगा, तो हमको जरूरत भी ऐसी एपिथीलियम की पड़ेगी जो अब्सॉर्ब ज्यादा कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम, ठीक है। अब हमारी जो फोर्थ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्यूडो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होती तो ये सिंगल लेयर ही पर दिखाई हमको मल्टीपल लेयर वाली देती, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेसल सेल्स प्रेजेंट होती है वो एक ही सेल के अंदर बेसल सेल प्रेजेंट होती है, अलग शेप की होती है, उसकी वजह से ये हमको मल्टीपल लेयर की दिखाई देती है। बट हम बात क्या कर रहे हैं, सिंपल एपिथीलियम की बात कर रहे हैं, तो होगी तो सिंगल लेयर ही। तो हमारा जो लॉन्ग सेल्स होती है इसमें और बेसल सेल्स होती है, इसका जो लॉन्ग सेल्स है वो कौन सी ओवल शेप की होती है, और बेसल सेल जो होती है वो राउंड शेप, उसका न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप का होता है, ठीक है। टाइप इसमें भी दो तरह के होते हैं, सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, लिखा हुआ है सब।
तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल तो हमारा हो जाएगा ट्रेकिया, और स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिथ्रा ऑफ द मेल। जो मेल का यूरिथ्रा होता है उसमें हमको कौन सी मिलती है, स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है वो कोई अलग से एपिथीलियम नहीं है, हमारी जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स होती है वो ही मॉडिफाई होकर के ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाती है। इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो नंबर के बेसिस पर और दूसरा सिक्रीशन के बेसिस पर। नंबर के बेसिस पर ये दो तरह की होती है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल से बनी हुई होगी, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहाँ पर पड़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ते हैं। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड जो कि मल्टीपल सेल से बनी हुई होगी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। देन हम जब सिक्रीशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो फिर से दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होती है, जिसमें अपनी डक्ट होती है जो कि अपने सिक्रीशन को डक्ट में रिलीज करती है। वहीं एंडोक्राइन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये सीधा अपने सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज करेगी। तो हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके एग्जाम्पल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। वहीं जब एंडोक्राइन की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ईटीसी। अब पूरा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का अलग से हमारा चैप्टर है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर वो भी पढ़ना है तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। देन हमारी कंपाउंड एपिथीलियम। अब कंपाउंड एपिथीलियम में हमारी दो तरह की होती है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जिसको यूरोथीलियम भी बोलते हैं। अब यूरोथीलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उस पूरे में हमको ट्रांजिशनल एपिथीलियम देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग यूरोथीलियम भी बोलते हैं। इसका शेप देख लेते हैं तो हमारी सबसे पहले नीचे तो होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर प्रेजेंट होगी हमारी क्यूबॉइडल सेल्स, फिर उसके ऊपर पियर शेप्ड हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसकी दो से तीन लेयर होती है, फिर उसके ऊपर रेक्टेंगुलर सेल्स की लेयर होगी। तो इस तरह से पूरा हमारा हो जाता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब इसके अंदर पियर शेप्ड सेल्स है, इनके बीच में आप डायग्राम में देख सकते हो गैप है, तो ये हमको स्ट्रेचिंग अलाउ करके हमको स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे उसमें यूरिन आता जाता है तो स्ट्रेच होती है उसकी सेल्स। क्यों हो पाती है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है, पियर शेप्ड सेल्स है जिसमें गैप है उसकी वजह से वो स्ट्रेच हो पाती है। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, अलाउ स्ट्रेचिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया, वही हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी आते हैं वो सब इसमें आएंगे, जैसे रीनल पेल्विस, यूरिथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देन स्ट्रेटिफाइड, तो सेकंड हमारा होता है कंपाउंड एपिथीलियम में स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, जो भी दो तरह की होती है, नॉन किरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम और किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। तो इसमें अब जब हम लोग नॉन किरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले वही हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमारी जो फर्स्ट सेल की लेयर है वो कौन सी होती है, कॉलमनर सेल्स की। जब हम लोग ट्रांजिशनल की बात करते हैं तो उसमें देखो डायग्राम में जो नीचे वाली बेस वाली जो लेयर है वो क्यूबॉइडल सेल्स की है, वहीं जब हम लोग नॉन किरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बात करते हैं तो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सबसे पहली लेयर है वो कॉलमनर सेल्स की है, उसके ऊपर स्क्वामस सेल्स होती हैं, उसकी दो से तीन लेयर्स होती हैं। वहीं किरेटिनाइड की बात करें तो किरेटिनाइड में सबसे नीचे वाली लेयर वही कॉलमनर सेल्स की होगी, उसके ऊपर हमारी स्क्वामस सेल्स होगी, फिर उसके ऊपर जो सेल्स की लेयर होगी जिसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसमें मैक्सिमम केराटिन जमा होने लगता है, जो हमारी केराटिनाइज है तो उसमें केराटिन जमा होने लगता है, ठीक है। और हमारी जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम है उसको हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन और मॉइस्ट एरिया जो उसकी लाइनिंग करने का, एग्जाम्पल वजाइना और बकल कैविटी। केराटिनाइड के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे एपिडर्मिस, मतलब स्किन के हमारी जो लेयर है वो होती है एपिडर्मिस वाली, ठीक है। अब ये डेड सेल्स होगी इसमें, क्योंकि केराटिन के जमा होने की वजह से बहुत सारा केराटिन जमा होने लगता है, उसकी वजह से डेड सेल्स हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।